You know, it's wonderful to be here this morning. और बहुत ही अच्छा लगता है कि आपके बीच में एक बार फिर हम हैं. And always good to be with you all. और आप सभी के साथ हैं इसका बहुत अच्छा लगता है. It's a second home for us. और ये हमारा दूसरा घर है. And I want you to know, Sister Alice, we love New Zealand. और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन एलिस, हम न्यूजीलैंड से प्रेम करते हैं. I have to love New Zealand. There is no way out. और मुझे न्यूजीलैंड से प्यार करना है, और कोई जगह नहीं. All my in-laws are here. सारे मेरे रिश्तेदार यहाँ हैं. So I need to love New Zealand. इसलिए मुझे प्यार करना होगा. But I tell you something, I have a passion for India. परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास एक उमंग है भारत देश के लिए. 1,025,000,000 people lives in India. और 1 अरब लोग वहाँ पर रहते हैं. 1,25,00,000,000 लोग भारत देश में रहते हैं. Amen. And 2.5% people are Christians. और 2.5% लोग वहाँ मसीह लोग हैं. The town that I live in, जिस कस्बे में मैं रहता हूँ, is 1,700,000 people are there. 17 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं. And out of that, 21,500 Christians are there. और उसमें से 21,500 मसीह है. Then you can realize what is the need and where is the need. और तब आप समझ सकते हैं जरूरत कैसे है और कहाँ है. And I thank God, one person I got his attention towards India, that's Pastor Vinicio. और मैं एक जन का मैं आकर्षण भारत देश में ला सकता था, वो पासबन विनिसियो है. And whenever Pastor Vinicio has gone to India, he comes to us, people are blessed. और जहां जब वो पासबन आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, लोग वहां आशीष पाते हैं. People are blessed. लोग वहां आशीष पाते हैं. We need your prayer. और हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है. You need my prayer. I need your prayer. आपको मेरी प्रार्थना की जरूरत है, मेरे को आपकी प्रार्थना की जरूरत है. Hallelujah. Hallelujah. But this morning I want to speak to you. Everything Christ is a full of glory. और मैं आपके सुबह आज से बात करना चाहता हूँ, सब चीज में परमेश्वर जो यीशु है उसकी महिमा हो. एवरीथिंग अबाउट जीसस, हर एक चीज यीशु के बारे में, इज अबाउट फुल ऑफ ग्लोरी, उसके पूरी महिमा से है भरा हुआ. इन अ टाइम, इन अ ओल्ड टाइम, ओल्ड टेस्टमेंट टाइम, पुराने नियम के समय में, मोसेस वॉक्ड विद गॉड, मूसा परमेश्वर के साथ चला. द वॉइस ऑफ गॉड, उसने परमेश्वर के आवाज को सुना. यू नो, एवरी टाइम मोसेस हैड अ प्रॉब्लम, ही सॉट द लॉर्ड. हमेशा जब मूसा के पास एक समस्या था, परमेश्वर के पास गया वो. यू नो, ही टुक द पीपल, 2 million people आउट ऑफ द इजिप्ट पीपल से, और वहां 2,100,000 लोग को परमेश्वर ने बाहर निकाला मिस्र से. 20 लाख लोग वहां से निकले. And every time they had a problem. हर एक समय उनके पास एक समस्या थी. And the Bible says. और बाइबल बताती है. Moses went to the Lord. मूसा परमेश्वर के पास गया. God, you know, these people going to kill me. और ये लोग मुझे मारना चाहते हैं. These people are ready to stone me up. और ये लोग मुझे पथरवाह करना चाहते हैं. And that's the time God came with His glory. और उसी समय परमेश्वर अपने महिमा के साथ आया. And every time Moses went to the Lord, he had an answer. और हर एक समय जब परमेश्वर के पास मूसा गया, उसके पास एक उत्तर था. Everything about Jehovah was a full of glory. हर एक चीज यहोवा के बारे महिमा से भरी हुई थी. And the Moses said. और मूसा ने कहा, Lord, I've been hearing your voice. और मैं तेरी आवाज को सुन रहा हूँ. Obeying your voice. और मैं तेरी आवाज को बाकिया मान रहा हूँ. Always is a blessed to hear your voice. और हमेशा आशीषित होता हूँ जब तेरी आवाज को सुनता हूँ. But Lord, I'm not satisfied hearing your voice. परंतु मैं satisfied नहीं हूँ तेरी आवाज को सुनने से. You know, the Bible says God used to speak to Moses face to face. और बाइबल बताती है परमेश्वर एक मुख के मुख सामने मूसा से बात करते थे. And everything God will, whatever God will speak to Moses, he will do it. और जो कोई मूसा से परमेश्वर बात करते थे, वो करते थे उसी को. And the Bible says his problem was sorted out. और बाइबल कहती है उसकी समस्या का समाधान हो जाता था. You know what, we have a problem, you know that? आपको पता हमारी समस्या क्या है? You don't hear properly God's word. आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सुन नहीं पाते. Many time you hear God's word, आप बहुत समय परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, but you're not obeying it. परंतु उसकी आज्ञा को नहीं मानते. And so problem remains there. और समस्या वहीं रुक जाती है. But I tell you something this morning. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. When you will hear His voice, जब उसकी आवाज को सुनेंगे, and you will obey His voice, और उसकी आवाज को मानेंगे, you will find your solution is gone within no time. और आपका समाधान तुरंत आ जाएगा बिना समय से. Because God was a full of glory. क्योंकि परमेश्वर महिमा से भरे हुए थे. In the book of Numbers, और गिनती के किताब में, in the Bible says, book of Numbers chapter 33 verse 18, और 33 उसका 18वां वचन में कहता है, it says, और वो कहता है, he says Moses asking God, और मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है, show me your glory,
तुझे अपनी महिमा को दिखा मुझे. No more satisfied hearing God. और वो पूरी तरह से सातवां नहीं था कि वो परमेश्वर से सुनना चाह रहा था. He went one head of one step of further. He says, Lord, I want to see your glory. एक कदम और आगे बढ़ा तो और कहता है परमेश्वर मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ. God says nobody can see my glory and live. और परमेश्वर कहने लगे कि मेरी महिमा को देखकर कोई देखकर वो जी नहीं सकते. But anyhow Moses was so up. He went after God. He says I must see your glory. परंतु मूसा वो जाने लगा और कहे कि मेरे को आपकी महिमा को देखना है. And so what happened? तो क्या हुआ? God hid him in the stone in a mountain. और परमेश्वर ने कहा कि तू उस पहाड़ के पीछे छिप जा. And he God hid Moses. और परमेश्वर ने उसे छुपा दिया. And he walked before Moses. और मूसा के सामने फिर चलने लगा. And he saw only back of God. और उसने सिर्फ परमेश्वर का पिछला भाग देखा. And when Moses came down from the mountain, और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतर के आया, his face was radiant. और उसकी जो पूरा मुख है चमक रहा था. Nobody could see this Moses anymore. और मूसा को कोई देख नहीं पा रहा था. You know, but what happened in the New Testament? परंतु नए नियम में क्या होता है? Same Jehovah God. वही यहोवा खुदा. He became a Jesus. और वो यीशु बन जाता है. He dwelt among us. और वो हमारे बीच में रहता है. So everything that you see about Jesus is full of glory. तो हर एक चीज जो यीशु के बारे देखते हैं वो महिमा से भरी हुई है. Philip asked one day to Jesus. फिलिपुस ने यीशु से पूछा. Jesus, यीशु, show us the Father. हमें पिता को दिखाइए. And Jesus said. और यीशु ने कहा. फिलिपुस, for a long time I lived with you. बहुत समय से मैं तेरे साथ रह रहा था. यदि तूने मेरे को देख लिया you है, have seen the Father. तूने पिता को भी देख लिया है. Hallelujah. Hallelujah. Church, I want to encourage you this morning. ओ कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. The day you accept Jesus as your Savior. जिस दिन आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं. The same glorious God that Moses wanted to see, He lives inside of you. ओ वो महिमा का खुदा जो मूसा देखना चाहता है, वो आपके अंदर रहता है. He walks with you. वो आपके साथ चलता है. He talks with you. वो आपके साथ बातचीत करता है. He wants to have a fellowship with you. और वो आपके साथ संगति रखना चाहता है. Only thing you need to know, this Christ, He's a glorious, full of glory. और केवल एक चीज आपको जानने की जरूरत है, वो मसीह महिमा से भरा हुआ है. Hallelujah. Hallelujah. When He walks, और जब वो चलता है, He's a full of glory. महिमा से भरा हुआ. When He stops, जब वो रुक जाता है, He's a full of glory. वो महिमा से भरा हुआ. When He stretches hands, जब अपने हाथ को बढ़ाता है, He's a full of glory. महिमा से भरा हुआ. When He speaks, जब वो बोलता है, He's a full of glory. Hallelujah. 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 Everything about Jesus is a full of glory. हर एक चीज यीशु के बारे महिमा से भरी हुई है. I will tell you what are things are full of glory. और मैं आपको बताना चाहूंगा क्या चीजें हैं जो महिमा से भरी. When Jesus came to Jerusalem, जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए, he going out of Jerusalem. और यरूशलेम से बाहर निकल रहे थे. He came inside. जब वो अंदर आ गए, and he was going outside. और वो बाहर जा रहे थे. And that's a time. और उसी समय, a blind beggar. एक अंधा भिकारी, his name is Bartimai, Bartimai नाम का उसका भिकारी, shout, और चिल्लाने लगा, he says, Jesus, और कहने लगा, यीशु, have mercy upon me, दया कर मुझ पर. Now tell me something, मैं आपको बताना चाहता हूँ, in India beggar have no place. भारत देश में भिकारियों का कोई जगह नहीं है. You know, they will stand on the corner side, will be asking you some money. किनारे में खड़े होके भीख मांगेंगे, पैसे मांगेंगे. They have no value. उनकी कोई वहाँ पर कीमत नहीं है. But I tell you something, our Jesus is a full of compassionate God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह दयालु है. And he was going. और वो जा रहे थे. And the blind beggar began to cry. और वहाँ पर भिकारी, अंधा भिकारी रोने he लगा. He said, "Son of David." और दाऊद की संतान. Have mercy on me. दया कर. Jesus was going. और जब यीशु जा रहे थे, the blind began to scream more. और वो अंधा और चिल्लाने लगा. And the Bible says. और बाइबल कहती है. Jesus stood. और यीशु मसीह वहाँ रुके. What was a miracle? आपको पता है चमत्कार क्या? It's not that blind man saw. वो ये नहीं कि अंधा देखने लगा. But the miracle was this. और ये चमत्कार ये था. दुनिया का विश्व विधाता भिखारी की आवाज को सुनके रुक गया. That's a miracle. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The creator of heaven and earth. परमेश्वर जगत का सृष्टि करता. He heard the voice of a beggar. वो एक भिखारी की आवाज को सुनता है. He heard the voice. उसने आवाज को सुना. And he said, और उसने कहा, I must stop.
और मैं वहां रुक Someone is calling me. कोई तो मुझे बुला रहा है. This morning, if you call him, यदि आज की सुबह उसको I don't know your situation. मैं आपकी परिस्थिति नहीं जानता. Only God knows your situation. केवल परमेश्वर आपकी परिस्थिति जानता है. And I tell you something. If he stops, यदि वो रुक जाता है, it's a full of miracle. वो चमत्कार है. It's a full of glory. वो महिमा से भरी हुई है. Call upon him. उसको पुकारो. You got any problem? आपके पास समस्या है? New Zealand government don't have the answer. न्यूजीलैंड सरकार के पास जवाब नहीं है God has the answer. परंतु परमेश्वर के पास जवाब is a full of glory. यीशु मसीह पूरी महिमा से भरा हुआ है. He stood there. और वहां वो खड़ा रहा. And he said, call that beggar. और उसने कहा भिखारी को बुलाओ. And when I tell you something, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. God will call you. जब परमेश्वर आपको बुलाएगा, the people who will dishonor you will begin to honor you. जो लोग तुम्हारा अनादर करते थे वो आदर करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. If you are dishonored by the people, यदि तुम्हारे लोग तुम्हारा निरादर करते हैं, but I tell you something, if you take this Jesus who's a full of glory, people will begin to honor you. और यदि ये यीशु को आप जो महिमा से भरा हुआ ले जाएंगे, लोग आपका आदर करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Your education no matters. आपका पढ़ाई लिखाई मायने नहीं Money रखता. Money no matters. पैसे मायने नहीं रखता. How big you are no matters. कितने बड़े हैं मायने नहीं रखता. How you skillful speaking person is not the matter. कितने आप अच्छे हैं, काम इतना अच्छा करते, कोई मायने नहीं रखता. It is the presence of God. It's the glory of God's the matter. ये परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा है जो मायने रखती है. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus told him, और यीशु ने कहा, what you want me to do? क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? This morning he's saying the same thing to you. और आज की सुबह वही आपसे बोल रहा है. What you want me to do? क्या मैं करूं तुम्हारे लिए? What you want him to do for you? क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करेगा? Just to speak to him. केवल उससे बातचीत करिए. The blind man came. और वहां पर अंधा व्यक्ति आया. And he said, Lord, और उसने कहा, प्रभु, मैं देखना चाहता हूं. Bible says, Bible कहती है, go and see. जा और देखो. And that man began to see. Hallelujah. और वो व्यक्ति देखने लगा. I tell you, Jesus is a full of glory. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह महिमा से भरा हुआ है. Spit up Jesus is a full of glory. और यीशु का थूक महिमा से भरा हुआ है. He spit. उसकी थूक. He spit on the ground. और उसने जमीन पर थूका. He made a mud. और वहां पर वहां जमीन में मिट्टी में मिलाया. And he applied to the blind man. और वो अंधे के आंख में लगा दिया. And he said, go wash. और उसने कहा जाकर धो लो. And the man came seeing it. और वो अंधा व्यक्ति लौटा देखने, नजर से देख रहा था. यीशु का थूक भी महिमा से भरा हुआ है. हालेलुया. हालेलुया. Everything is full of Jesus is full of glory. हर एक चीज जो यीशु के साथ वहां पर है वो महिमा से भरी हुई है. हालेलुया. 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 यदि थूक भी दे, ओ हालेलुया. हालेलुया. इन इंडिया बाबा लोग थूक देते, मालूम नहीं इतना इन्फेक्टेड थूक है, लोग फिर भी लगाते हैं. यीशु का थूक तो आशीष और महिमा से भरा हुआ है. हालेलुया. हालेलुया. जस्ट गेट हिम. केवल उसे पा लीजिए. गेट ऑन योर साइड. ओ उसको अपने तरफ ले आइए. यू नो वन व्हाट यू रिमेंबर वंस जीसस यू नो डिसिपल्स दे वेर इन अ शिप. आपको याद है जब चेले लोग उस नाव पर थे. एंड देयर वाज अ स्टॉर्म. और वहां पर एक आंधी आई. एंड जीसस वाज स्लीपिंग देयर. और यीशु मसीह वहां लेटे हुए थे, सो रहे थे. दे वोक हिम अप. और वो उसे उठाने लगे. लॉर्ड वी आर डाइंग. और कहने लगे, हे प्रभु हम मर रहे हैं. यू डोंट अंडरस्टैंड, वी आर डाइंग, यू आर स्लीपिंग वेरी इजीली. अरे आपको समझ भी नहीं आ रहा, हम मर रहे हैं, आप आसानी से सो रहे हैं वहां पे. बाय द वे आई टेल यू, गॉड्स पीपल आर गुड स्लीपर. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के लोग अच्छे सोते हैं. दे स्लीप वेरी गुड. और वो अच्छे से सोते हैं. Jesus, there was a storm everywhere. There was, and Jesus was sleeping. सब जगह आंधी तूफान चल रहे हैं, मगर यीशु मसीह सो रहे हैं. Peter was in jail, was sleeping. पतरस बंदीगृह में था, सो रहा था. Daniel was sleeping in lion's den. और शेर के मांग में दानियल सो रहा था. I don't know how Samson slept. They made him a bald head man. जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ तो ये जानता हूँ कि परमेश्वर के लोग अच्छी नींद लेते हैं. यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आप अपने बारे में सोचिए आप क्या हैं. यदि नींद नहीं आती, you need to think why you're not able to sleep, because God's people are usually good sleeper, right, Leah? परमेश्वर के लोग अच्छे सोते हैं. Amen. I'm not picking up Leah, but I'm just stating in a general sense, okay? Jesus is a full of glory. यीशु मसीह महिमा से भरा हुआ है. And Jesus, and they woke him up.
और उसे उठाए मास्टर गेट अप स्वामी उठो वी आर पेरिशिंग और हम यहां नाश हो रहे हैं यू जस्ट इमेजिन There was this, this. You just imagine in your mind. केवल अपने मस्तिष्क में इसकी कल्पना कीजिए. There is a storm. वहाँ पर आंधी है. They're good fishermen. और वहाँ वो अच्छे मछुआरे हैं. They know the condition of a sea. और वो जानते हैं कि समुद्र का वातावरण कैसा है. And this time mood of sea was not very good. और समुद्र का वातावरण ठीक नहीं था. And this time they woke him up. Jesus, get up. और वो कहने लगे स्वामी उठो. And Jesus stood up. और वहां पर यीशु उठ गए एंड व्हेन ही स्टूड अप और जब वो उठ गए देन द सी एंड द विंड्स एंड वेव रियलाइज हु वर इन देयर बोट और तब आंधी और तूफान जान गए कि वो नाव में कौन था एंड ही स्टूड अप एंड ही सेड आई एम कमांडिंग यू टू बी क्वाइट और वो उठा और वहां पर आज्ञा दी मैं तुम्हें शांत होने की आज्ञा देता हूं एंड द बाइबल थिंग एवरीथिंग सीज एवरीथिंग वाज क्वाइट और बाइबल कहती सब चीज शांत हो गई स्पीकिंग गॉड्स वर्ड इज अ फुल ऑफ ग्लोरी और परमेश्वर के वचन बोलना महिमा से भरा हुआ है हालेलुया हालेलुया इज अ फुल ऑफ ग्लोरी और महिमा से भरी हुई है स्पीक हिज वर्ड इज अ फुल ऑफ ग्लोरी और जब उसके वचन को बोलते तो वो महिमा से भरी होती है व्हेन यू क्लेम हिज वर्ड इज अ फुल ऑफ ग्लोरी जब उसके वचन को मान लेते हैं वो महिमा से भरी होती है हालेलुया हालेलुया यू नीड टू नो जीसस दैट यू सर्व दैट यू follow is a full of glory aapko janna hai yeshu masi jiski seva karte hain jiske piche chalte hain wo mahima se bhara hua hai you know the biggest problem of the country what I see here in new zealand aur jo desh ki sabse badi samasya yahan par ye hai I met many people maine bahut se logo se mulaqat ki many people asked me to pray bahut sare logo ne kaha ki pasban prarthna kar do what to pray kya prarthna karna pr permanent residency kabhi kabhi main socha pyar bol raha hai kya PR permanent residency if you have a problem with permanent residency yadi aapke paas uske liye kuch saath mein samasya hai give your life to jesus you will have permanent residency in heaven aap apna zindagi yeshu ko de do hamesha ke liye aapka resident you will have a full of glory puri mahima se bhar jaoge are what new zealand heaven is a wonderful place are new zealand chodo swar isse bhi behtar jagah hai hallelujah hallelujah I tell you something I work for heaven not for new zealand main swar ke liye kaam karta hu new zealand ke liye nahi karta hallelujah hallelujah is a beautiful country god made it aur parmeshwar ne is khoobsurat desh ko banaya But I tell you something. My PR has taken place 37 years back. और मेरी जो नागरिकता पूरी हो गई 37 वर्ष पहले. When I committed my life to Jesus, I got my PR. और जब मैंने यीशु को अपना हृदय दे दिया, मेरा नागरिकता हो गई पक्की. And he said, you are fit to be in my place. अब तू सही है कि मेरे जगह में तू ठहर सकता है. Hallelujah. Hallelujah. And I tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूं Do you remember a lady caught in an act in committing adultery और एक औरत को व्यभिचार में पकड़ा गया था They brought him to Christ और उसने उसको लेकर आए यीशु के पास And they said Jesus और उसने कहा यीशु What to do with this lady इस औरत के साथ क्या किया जाए The Bible says such a people should be stoned to death और बाइबल कहती है कि ऐसे लोग का पथरवाह किया जाना चाहिए And Jesus didn't say a single word और यीशु वहां एक शब्द नहीं बोले He went on his knees और वो अपने घुटने में चले गए And began to write something और जमीन में कुछ चीज लिखने one लगे by one Everybody left that lady. और एक दफा एक हर लोग वहाँ से चले गए जो आए थे. Even though when he gets quiet, it's a full of glory. यद्यपि यीशु मसीह जब शांत हो जाते हैं वो महिमा से भरी होती है. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you are praying. कई बार आप प्रार्थना God, I'm not getting my answer. और मैं परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है. What is happening? क्या हो रहा है? Let me tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ. If he's not answering, it doesn't mean he's not listening to you. यदि वो जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे. In his quietness. वो अपने शांतपूर्ण समय में. When he's quiet. जब वो शांत है. He's a full of glory. वो महिमा से भरे हुए हैं. And after some time, Jesus stood up. और कुछ समय के बाद यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं He said, Lady, और उसने कहा कि औरत Nobody condemned you. तुझे कोई किसी पर किसी ने दोष नहीं लगाया Go, neither I condemn you. मैं भी Go तेरे पर दोष नहीं लगाता जा शांत पूर्वक जा What a voice to hear from, what a word to hear from the master. क्या एक शब्द स्वामी की तरफ से सुनना था उसे क्या वो शब्द Neither I condemn you. Go in peace. मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता जा शांत
Sometimes you are praying. कई बार जब आप प्रार्थना कर रहे हैं. Prayer is not answered. और जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता. And you are thinking, God, what's happening? और आप सोच रहे हैं, खुदा क्या हो रहा है? Are you listening to me or not? क्या तू मुझे सुन रहे हैं कि नहीं? But I'm telling you something, my friends. परंतु मेरे दोस्तों, मैं आपसे कुछ चीज को बता रहा हूँ. When he is a quiet, जब वो शांत है, he's a full of glory. वो महिमा से भरा हुआ है. He's quiet. It doesn't mean that nothing is happening. यदि वो शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ हो नहीं रहा है. Something he's doing in his quietness. वो जब शांत है तब भी कुछ वो कर रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Our Christ is a full of glory. हमारा मसीह महिमा से भरा हुआ है. He lives inside of you. वो हमारे अंदर रहता है. कई लोग ऐसे बैठे हैं. वो आपके अंदर ऐसा है क्या? Hello. वो आपके अंदर में आपका ठंडा देख के ऐसा लग रहा है कि शक हो रहा है सही में रहता है. मैं रहता तो कूद गया होता. सही में वो रहता है. हालेलुया. He lives inside of me. वो मेरे अंदर रहता है. My glorious God, full of glory, lives inside of me. मेरा महिमाए परमेश्वर महिमा से भरा हुआ मेरे अंदर रहता मेरी है. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. आप मोटे हो, काले हो, पतले हो, दुबले हो, लेडू हो, बड़े कैसे भी हो, आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं. परमेश्वर आपके अंदर में रहता है. उसकी महिमा आपके अंदर में रहता है. Amen. Hallelujah. After the meeting, you go stand before the mirror. It says, "I am the one who living inside of me is a full of glory." और सभा खत्म होने के बाद आईना के सामने जाइए और खड़े होकर देखिए और कहे, जो मेरे अंदर रहता है वो महिमा से भरा हुआ है. Hallelujah. Hallelujah. And I'm blessed. और मैं आशीषित हूँ. Hallelujah. Hallelujah. The person who lives inside of me, he gives me a power. He gives me overcoming power. और जो व्यक्ति मेरे अंदर रहता है मुझे सामर्थ्य देता है और जय की सामर्थ्य देता है. Hallelujah. Hallelujah. He lives inside of you. वो आपके अंदर रहता है. Full of glory. महिमा से भरा हुआ. Full of love. प्यार से भरा हुआ. Everything that he speaks is full of glory. हर एक चीज वो बोलता है वो महिमा से भरा हुआ है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you say hallelujah? Hallelujah. Not to me, to this glorious God. मेरे लिए नहीं, परंतु ये महिमा से भरे हुए खुदा के लिए. You know, nobody loved me when I was not in Christ. Nobody loved me. जब मैं मसीह में नहीं था तो मुझसे कोई प्यार नहीं करता था. Not even though my family member. मेरे परिवार के सदस्य भी नहीं प्यार करते थे. I was a hopeless guy. और मैं आशाहीन व्यक्ति था. And in 1978. और 1978. Yes. In 1978, I met the Lord in a very wonderful way. और मैंने परमेश्वर से बहुत अद्भुत रीति से मेरी मुलाकात. I had an encounter with him. और मेरा एक वहाँ पर आमना सामना हुआ. I was a young guy at that time. उस समय मैं जवान व्यक्ति था. अभी भी जवान हूँ. But that time I was more younger. और उस समय और भी ज़्यादा जवान. I was a hopeless guy. और मैं आशाहीन व्यक्ति था. The family member said, "This guy is no hope for this fellow." इस लड़के के लिए कोई आशा नहीं है. मेरे परिवार वाले बोलते थे. My elder brother said, "We all got settled. I don't know what will happen to this guy." और मेरे बड़े भाई कहते थे, हमारा तो सब चीज अच्छा से हो गया है, इसका क्या होएगा हम नहीं जानते. And they used to say, "ये खाना भी इसको मिलेगा कि नहीं?" That's they used to say, "He is going to get a food or not?" That they used to say. और मेरे बारे ये बोलते थे मेरे बड़े भाई और परिवार के सदस्य के खाना भी नसीब होएगा कि नहीं. But one day, परंतु एक I went to a meeting. एक मीटिंग में मैं गया. I did not went to hear God's word. मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं गया. There were 10,000 people were in that meeting. 10,000 लोग उस सभा में थे. And I went standing at the back. और मैं चले गया, पीछे खड़ा था सभा के. But I saw first time in my life, I saw the people who were singing. They sang the word, they sang the gospel song with very enthusiasm. और पहली बार मैंने देखा जो सुसमाचार के गीत को गा रहे थे बड़े जोश के साथ वो गा रहे थे. It was not in my church. वो मेरी कलीसिया में नहीं थे. And the person who the man of God who came, he came and began to preach the glorious word of God. और जो परमेश्वर के दास वहां आकर परमेश्वर के महिमा भरे वचन को प्रचार कर रहे थे. He preached from Hebrew 9:27. और इब्रानी 9:27 से बोल रहे थे. Is appointed for a man once to die. After that you will stand before God for the judgment. और एक बार मनुष्य का मरना नियुक्त है और
उसके बाद न्याय होना नियुक्त है. And so I heard the full gospel. और मैंने पूरे सुसमाचार को सुना. In the end of the meeting. और सभा के अंत में. He gave invitation to all. उसने आमंत्रण दिया सबको. He says if you die tonight, where will you go? यदि आज आप मर जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? And I knew it. I was on my way to hell. और मैं जानता था कि मैं नरक के रास्ते में था. And so that night. और उस रात. I committed my life to Jesus. मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दिया. It was a wonderful night. और वो महान रात था. I heard his wonderful, glorious word. और मैंने उसके महिमा से भरे हुए वचन को सुना. I gave my life to Jesus. मैंने यीशु को अपना हृदय दिया. Right after 2 days. उसके दो दिन बाद. I left my home to serve God. मैंने अपना घर छोड़ दिया ताकि मैं परमेश्वर की सेवकाई करूं. 9 July 1978, I met the Lord. 12th of July, I left my home to serve God. 9 जुलाई 1978 में मैंने परमेश्वर से मुलाकात की. 12 जुलाई को मैंने घर छोड़ दिया. I picked up when I left my home. जब मैंने अपना घर को छोड़ा. I had a tin box. Many Fijians friends and the Indian people they know tina ka baksa. Okay. I left with tin box. और मैंने उस टीने के बक्से के साथ अपना घर छोड़ा. The cost of the box was $0.50. और उसका कीमत जो बक्से का कीमत था आधा डॉलर था. 2 pants, 2 shirts. दो कमीज दो पैंट. And just something to sleep on. और कुछ सोने के लिए. And I had no idea what will be my future. और मैं नहीं जानता था कि मेरा भविष्य क्या है. And I went along with this team called Christ is the answer. और इस टीम के साथ मैं चले गए जिसका नाम था मसीह है उत्तर. And after 2 years, Pastor Moses joined the same team. और 2 साल के बाद पासबान मोसेस भी वही टीम में जुड़ जाते हैं. We had a wonderful time. और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा समय रहा. During this team. और इस टीम में. We were beaten up. हमें मारा गया. We were in jails. हम बंदी गृह में थे. Out of jails. और बाहर हो गए. For 6 years, I worked in India all over. और 6 साल भारत के हर एक जगह में मैंने काम किया. In 1983. और 1983 में. Me and my friend Pastor Mark. मैं और मेरा दोस्त पासबान मार्क. Tim's dads. और मेरे पिता. And Pastor Ajit and Subhash. और पासबान अजीत और पासबान सुभाष. We all 4 came together. हम चार एक साथ आए. No support at all. कोई वहाँ पर सहायता नहीं. We began to work with AOG. हम AOG के साथ शुरुआत की. There was no support. कोई सहायता नहीं थी. We used to live in one house. एक घर में रहते थे. The cost of the rent was 150 rupees. और जो उस समय का कीमत था वो लगभग $2.50 था. Yes. And we lived a very happy life. हम बहुत ही खुशी की जिंदगी को जिए. And through that place. और उस जगह से. That time only there was a 2 churches. उस समय 2 कलीसिया थी. One was in Bilaspur, other was in Tilda. एक बिलासपुर में था दूसरा टिल्डा में था. We moved everywhere. We moved by faith. हम जहां गए विश्वास के द्वारा गए. We had no money. हमारे पास पैसे no नहीं थे. No support. कोई सहायता नहीं थी. Till now support. Till now we don't have any support. आज तक कोई सहायता नहीं. But God is our biggest support. परंतु परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा सहायक है. He's been a faithful God. वो एक विश्वास योग्य खुदा है. He's full of glory. वो महिमा से भरा हुआ है. I tell you something, man will fail you. और मनुष्य आपको धोखा दे देगा. God will never fail you. परंतु परमेश्वर कभी धोखा नहीं He's देगा. A full of glory. क्योंकि वो महिमा से भरा हुआ है. He's a full of glory from eternity to eternity. अनंत काल से अनंत काल तक महिमा से भरा हुआ By है. Faith. विश्वास के द्वारा. By faith. विश्वास के द्वारा. Now in छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में अभी. We have 80 assemblies of God churches. 80 assembly of God के कलीसिया है. Not a single pastor get any help from anywhere. कोई वहां पर पासबान की सहायता नहीं होती. Only God is our help. केवल प्रभु हमारा सहायक है. If you look at people, people will disappoint you. यदि लोगों को देखेंगे लोग आपको निराश करेंगे. But if you look to this glorious God. परंतु ये महिमा से भरा हुआ खुदा की तरफ देखेंगे. He said, I will supply all your needs according to His riches and glory. मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा स्वर्ग के खजाने से. Sometimes it's a struggle. कई बार संघर्ष है. When you see your pastor has been locked up inside, you don't have a money to bail them out. That time I feel struggle. और कई बार संघर्ष ये होता कि जब आप देखते हैं पासबान जेल में बंद है आपके पास पैसे नहीं है कि उसका बेल करवा सको. Many of the time pastors have died, their children are in an orphanage home. That time my heart's pain. और कई बार पासबान खत्म हो जाते हैं उनके बच्चे अनाथ आलय में चले जाते हैं उस समय मेरा हृदय दुखता है. But in spite of everything, इसके बावजूद I tell you something, मैं आपको बताना चाहता हूं. Serve this glorious God. इस महिमा से
He's a full of glory. महिमा से भरा हुआ है. Power. पूरा सामर्थ से भरा हुआ है. When he speaks, is a full of glory. जब वो बोलता है तो सामर्थ से भरा है. महिमा से भरा. When he's quiet, is a full of glory. जब वो शांत है तो महिमा से भरा हुआ है. When he screams, that's a full of glory. जब वो चिल्लाता है तो महिमा से भरा. When he spits, is a full of glory. जब वो थूकता है तो महिमा से भरा हुआ है. When he's quiet, is a full of glory. और जब वो शांत है महिमा से भरा हुआ है. He will touch your life, it will be a full of glory. यदि वो आपकी जिंदगी को छू देगा तो आपकी जिंदगी महिमा से भर जाएगी. What a glorious God we have. क्या महान परमेश्वर है महिमा से भरा हुआ. Outside. बाहर मत देखिए. He's inside of you. वो आपके अंदर है. He's inside of you. वो आपके अंदर है. He's inside of you. वो आपके अंदर है. I'm telling you, he's inside of you. मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके अंदर है. You need to realize this mighty God. आपको जानना होगा ये महान परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर को. He's a full of glory. वो महिमा से भरा हुआ है. I want to pray for you before I go. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. I got 3 minutes left over. 3 minutes बाकी है. I want you to stand up. मैं चाहता हूँ कि अपनी जगह. And I want you to open your mouth.